वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देखो सिद्धू साहब नू रिस्पोंस ही नहीं कोई मिल रहा। अज सिद्धू साहब नू 18 साल का जो उन्होंने माड़ी कारगुजारी है, लोगों नू मिलना नहीं, लोगों नाल माड़े तरीके नाल पेश आना, थोड़े मीडिया के कर्मचारियों नाल भरावां नाल तू तू करके बोलना। अज वैसे कल की थोड़ी दुरुस्ती आई है, भाजी करन लग पे है, तुसीं खड़ जाओ थोड़े दिन, ऐन वधिया तरीके नाल लोगों ने दिमाग दुरुस्त कर देना। और अज दे प्रोग्रामां दी कैंसलेशन इसलिए की गई क्योंकि पब्लिक रिस्पोंस जीरो हो गया, उन्हां नाल वध तों वध हुण तां उन्हां दी पार्टी दे लोग भी उन्हां दे खिलाफ हो गए। अपनी परंपरागत सीट मजीठा को छोड़कर अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ताल ठोक रहे अकाली नेता विक्रम मजीठिया की बातों में आत्मविश्वास की झलक मिल रही है, तो उसके पीछे एक वजह है। दरअसल मजीठिया के लिए सिद्धू ने एक चक्रव्यूह रचा था, तभी उन्हें दो मजीठा सीट से छोड़ने की चुनौती दी थी, मगर अकाली दल ने ऐन मौके पर तुरुप का इक्का इस्तेमाल करते हुए मजीठा से विक्रम मजीठिया की पत्नी गनीम कौर को टिकट दे दिया और सिद्धू के खिलाफ बेखौफ होकर विक्रम मैदान में कूद पड़े। गनीम कौर के चुनाव में उतरने की खबर कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसने दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचा था। सोचती भी कैसे, खुद गनीम कौर को भी नाम के ऐलान होने से दो दिन पहले तक इसका पता नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। विक्रम मजीठिया ने जब अपनी पत्नी गनीम कौर से पहली बार चुनाव लड़ने की बात कही तो गनीम कौर को लगा कि उनके पतिदेव मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके नाम की भी घोषणा हो चुकी है और साथ ही साथ उनके नाम का चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है और अब इस प्रचार का वो खुद हिस्सा बन चुकी है। कभी महिलाओं से गले मिलकर तो कभी गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गनीम कौर अब आम लोगों से संपर्क साधना शुरू कर चुकी है। '96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली गनीम कौर शादी से पहले गनीम ग्रेवाल के नाम से जानी जाती थी। उनके परिवार की गिनती प्रभावशाली फैमिली में होती है। वो राधा स्वामी व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह के रिश्तेदार हैं। गनीम कौर 2005 से 2009 तक क्रिस्टीज इंडिया की प्रतिनिधि थी, जहां गनीम ने क्रिस्टी इंडिया को न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि मुंबई में उसका ऑफिस भी बनाया। गनीम ने क्रिस्टी एजुकेशन लंदन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी किया है। गनीम ने जो हलफनामा दायर किया है उसके मुताबिक वो पेशे से कारोबारी और किसान हैं। उनके पास एक गाड़ी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में खेत और 35,25,000 रुपए के जेवरात हैं। साथ ही कुछ कंपनियों के शेयर्स में भी उनका निवेश है। मजीठा सीट पर गनीम कौर का मुकाबला कांग्रेस के जगविंदर पाल सिंह मजीठिया से होगा, जबकि जगविंदर के भाई सुखविंदर सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से मजीठा में उम्मीदवार होंगे। ऐसे में अपने पति के चुनाव प्रचार से भी आम तौर पर दूर रहने वाली गनीम के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी, बावजूद इसके कि मजीठा पर पिछले चुनाव में उनके पति विक्रम मजीठा को मिले वोट कांग्रेस और आप के संयुक्त वोटों से भी कहीं ज़्यादा थे। मजीठा में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पंजाब चुनावों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।